टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी कि व्यापार की शर्तें। जब भी कभी हम लोग दो देश में आपस में व्यापार होता है तो जिस तरीके से एक प्रस्ताव रखा जाता है कि हम लोग किस लेवल पर जाकर के अपने कॉमोडिटीज की प्राइस को फिक्स करेंगे और एक दूसरे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, उसी तरीके से व्यापार की कुछ शर्तें रखी जाती हैं जिसमें कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो कैसे मेंटेन रहे, कैसे हम कस्टम ड्यूटी रखेंगे, कैसे हम अपनी टैरिफ पॉलिसी रखेंगे, यानी कि इस तरह की शर्तें वो जो हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को हमारे फेवरेबल बना सकें। ऐसा ना हो कि इस तरह की शर्तें हमारे ऊपर लागू कर दी जाएं जो हमारे व्यापार के लिए अनफेवरेबल हो। इसी के लिए जो है टर्म्स ऑफ ट्रेड ये जो चैप्टर है वो पढ़ा जाता है, यानी कि टर्म्स ऑफ ट्रेड एक ऐसा रेट होता है, एक ऐसी दर होती है जिसमें कोई कंट्री कॉमोडिटीज के एक्सचेंज के लिए एक दूसरे के साथ अपनी जो सहमति होती है वो देते हैं और जो है एक दूसरे से कॉमोडिटीज को एक्सचेंज करने के लिए तैयार रहते हैं, उसी को टर्म्स ऑफ ट्रेड कहा जाता है। यानी कि किस मूल्य पर, किस प्राइस पर हम अपने कॉमोडिटीज को एक्सपोर्ट करेंगे और किस प्राइस पर हम अपने कॉमोडिटीज को इंपोर्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब टर्म्स ऑफ ट्रेड का जो फॉर्मूला होता है, टर्म्स ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू टोटल प्राइस ऑफ इंपोर्ट अपॉन टोटल प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट। ये होता है टर्म्स ऑफ ट्रेड। कहीं कहीं पर प्राइस की जगह वैल्यू भी लिखी रहती है, टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, टोटल प्राइस, टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। टर्म्स ऑफ ट्रेड का ये फॉर्मूला होता है, नेट एग्जाम में पूछा गया था, नेट यूजीसी का जो पेपर होता है उसमें ये टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला पूछा गया था, आई थिंक 17 या 16 के आसपास, इसी दो बैच में ये पूछा गया था, किसी एक बैच में टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको याद कर डालिए, एमसीक्यू क्वेश्चन में ये आप लोगों में भी आ सकता है। अब जो है फेवरेबल, दो तरीके की टर्म्स ऑफ ट्रेड होती है। पहला होता है फेवरेबल, मतलब टर्म से कहा जाता है फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी कि टीओटी, और दूसरा अनफेवरेबल टीओटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। टीओटी टर्म्स ऑफ ट्रेड का शॉर्ट फॉर्म है। दो तरह के फेवरेबल और अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड होते हैं। तो जब कभी भी किसी भी कंट्री में टीओटी आपका तब फेवरेबल होता है जबकि आपका एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, यानी कि जो आपका एक्सपोर्ट है उसकी वैल्यू इंपोर्ट की वैल्यू से ज्यादा होगी तो आपका जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो आपके फेवर में होगा, क्योंकि आप निर्यात ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और उसके कंपैरिजन में आप इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो हमारा हमको बाहर से ज्यादा पैसा मिल रहा है, यानी कि विदेशी लोग जो फॉरेनर्स हैं जिस कंट्री से हम अपना व्यापार कर रहे हैं वो हमारे सामान को परचेज कर रहे हैं और उसके बदले में वो अपनी मुद्रा हमें दे रहे हैं, तो और जो है हम बाहर से सामान कम मंगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो टीओटी है ये हमारे फेवर में है। लेकिन जस्ट अपोजिट अनफेवरेबल कब होगा, जब एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट, हम बाहर से सामान ज्यादा मंगा रहे हैं उसके कंपैरिजन में एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो तब जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है ये हमारे अनफेवरेबल हो जाता है। ये दो तरीके से टर्म्स ऑफ ट्रेड को डिफाइन किया जाता है,
टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, वैल्यू ऑफ टोटल वैल्यू या टोटल प्राइस ऑफ इंपोर्ट अपॉन टोटल प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, ये होता है टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला। और अनफेवरेबल और फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होते हैं, सिंपल से लैंग्वेज में कि जब टीओटी में एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इंपोर्ट कम होगा तो वो हमारे फेवर में होगा, और अगर एक्सपोर्ट कम होगा इंपोर्ट ज्यादा होगा तो वो हमारे फेवर में नहीं होगा, अनफेवरेबल होगा। अब आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड या फिर टाइप्स ऑफ टीओटी, टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसके लिए क्लासिफिकेशन किया जाता है तीन तरीके से, फर्स्ट और सेकंड। पहला ऑन द बेसिस ऑफ द रेशियो ऑफ एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटीज, गुड्स वस्तुओं के विनिमय के आधार पे या संबंधित। दूसरा जो आपका टीओटी है, रिलेटेड विद द ट्रांसफर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके हस्तांतरण से रिलेटेड टीओटी। तीसरा होता है रिलेटेड विद यूटिलिटी, उपयोगिता से संबंधित। तीन तरह से टीओटी को डिफाइन किया जाता है। अब ये जो ये रिलेटेड विद द रेशियो ऑफ एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी या ऑन द बेसिस ऑफ द रेशियो ऑफ एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, ये आगे तीन तरह के होता है। इसको अगेन डिवाइड किया जाता है तीन तरीके से। पहला आपका होता है नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, नेट बार्टर टीओटी, टर्म्स ऑफ ट्रेड। दूसरा आपका होता है ग्रॉस बार्टर टीओटी, ग्रॉस बार्टर टीओटी। तीसरा, इसमें तीसरा टाइप्स होता है इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, टीओटी। ये तीन तरीके का होता है। ये दूसरा रिलेटेड विद द ट्रांसफर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये होता है दो तरीके से, पहला होता है यूनिलेटरल और दूसरा होता है बाइलेटरल। फर्स्ट यूनिलेटरल टीओटी और दूसरा बाइलेटरल टीओटी। यूनिलेटरल को कहा जाता है एक घटकीय व्यापार की शर्तें, और बाइलेटरल को द्वि घटकीय व्यापार की शर्तें। और रिलेटेड विद यूटिलिटी, ये भी आपका दो तरीके से होता है, दो टाइप का। पहला होता है आपका रियल कॉस्ट टीओटी, और दूसरा होता है यूटिलिटी टीओटी। फर्स्ट रियल कॉस्ट और दूसरा यूटिलिटी टीओटी। इस तरीके से ये जो है इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब हम लोग आगे एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले रिलेटेड विद द रेशियो ऑफ एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटी, ये जो तीन तरीके का होता है इसके बारे में।
फर्स्ट रिलेटेड टू रेशियो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन रिलेटेड टू रेशियो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन कॉमोडिटीज, जिसमें पहला आता है नेट बार्टर TOT। ये कॉन्सेप्ट प्रोफेसर टॉजिंग ने दिया था। ये पूछा जाता है, नाम पूछा जाता है, इसलिए नाम याद कर लीजिएगा। और इस कॉन्सेप्ट में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में जो रेशियो होता है, उस रेशियो के बेसिस पर हम नेट बार्टर TOT निकालते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इन दोनों का रेशियो निकाला जाता है और उस रेशियो के बेसिस पर जो भी रिजल्ट हमें आता है उसको नेट बार्टर TOT कहा जाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट बार्टर TOT को NBTOT इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स गुड्स एक्सपोर्ट और प्राइस ऑफ इम्पोर्ट। इस तरीके से ये दो कॉन्सेप्ट होता है। और यहाँ पर इस चीज को जो है हम लोग N से शो करते हैं। तो इस तरह से जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है N इज इक्वल टू PX/PM। फॉर्मूला जरूर रट डालिएगा, ये जरूर पूछा जाता है, इसमें यही सब सारी चीजें पूछी ही जाती हैं। अब यहाँ पर ये PX क्या है, एक्सपोर्ट प्राइस, और ये क्या है, इंपोर्ट प्राइस, और N जो है आपका ये है नेट बार्टर, नेट बार्टर TOT टर्म्स ऑफ ट्रेड। इस तरीके से अब ये तो हो गया सिंपल फार्मूला आपका। लेकिन अगर मान लीजिए नेट बार्टर सिस्टम में ये तो हो गया कोई एक वस्तु है उसके लिए हम निकाल रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारा जो व्यापार होता है उसमें तो हम बहुत सारी कॉमोडिटीज बाहर से मंगाते हैं, तो जब एक से ज्यादा गुड्स के लिए इसका जो है हमारा जो व्यापार संतुलन मेंटेन किया जाता है टर्म्स ऑफ ट्रेड को, तो फिर हमारा फॉर्मूला हो जाता है मोर देन वन गुड्स द TOT इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा N is equal to PX1/PM1 plus PX0/PM0। इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है जब हम एक से ज्यादा गुड्स की बात करते हैं। तो ये भी पूछा जाता है MCQ में, नेट बार्टर सिस्टम में मोर देन वन गुड्स के लिए फॉर्मूला क्या है, वन गुड्स के लिए फॉर्मूला क्या है। तो एक सिंगल अगर गुड्स की बात हम सिंगल गुड्स की बात करते हैं तो आप ये फॉर्मूला लिखिएगा, और अगर हम डबल गुड्स की बात करते हैं यानी कि मोर देन वन गुड्स, तो फिर आपको ये फॉर्मूला लिखना होगा। और यहाँ पर जो है जब कभी हमें इसका प्राइस इंडेक्स निकालना होता है, यानी कि तब हम क्या करते हैं, एक बेस ईयर मानते हैं। प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए जब निकालना होता है तो हमको एक बेस ईयर मानना पड़ता है। इस बेस ईयर के आधार पर हम लोग जो है सूचकांक निकालते हैं और इंडेक्स हम 100 मान लेते हैं।
प्राइस इंडेक्स 100 मान लिया जाता है, और बेस ईयर जो भी गवर्नमेंट फिक्स करती है, वैसे ज्यादातर हम लोग 2011 को लेते हैं बेस ईयर अभी तक जो है, तो वहां पर जब कभी प्राइस इंडेक्स 100 मानेंगे तो हमारी जो व्यापार की शर्तें होती हैं वो हमेशा 1 के बराबर होता है। कैसे? पी एक्स जीरो अपॉन पी एम जीरो इज इक्वल टू 100/100। प्राइस इंडेक्स दोनों का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का 100 मान लिया गया, और जब इसको डिवाइड करते हैं तो 1 हमारा आ जाता है। तो ये जब प्राइस इंडेक्स 100 मान लिया गया और एक बेस ईयर ले लिया गया कि किस ईयर का हमें निकालना है बेस ईयर के उस पे, तो फिर आपका ये आ जाता है। तो ये तो हो गया कि बेस ईयर के आधार पर। अगर करंट ईयर की बात हम करते हैं, करंट ईयर पर भी पूछा जा सकता है कि नेट बार्टर सिस्टम करंट ईयर पर कैसे निकाला जाता है। तो ये तो हो गया जो है बेस ईयर पर। दूसरा आ गया करंट ईयर पर। जब करंट ईयर पर हमको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट निकालना होता है तो यहाँ पर हम दो सूचकांक लेते हैं इंडेक्स। एक्सपोर्ट का इंडेक्स जो है हम मान लेते हैं 160, और इंपोर्ट का इंडेक्स जो है वो 120 मान लिया जाता है। और तब हम व्यापार की शर्तों की जब गणना करते हैं तो वहां पर ये और ये भी रखा जाता है, यानी कि एक्सपोर्ट पी एक्स जीरो हो गया और ये पी एक्स जीरो हो गया। तो अब यहाँ पर जब करंट ईयर में निकालेंगे तो 160/120 इज टू 100/100। और इसका जो आंसर आएगा जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो 1.33:1। इसको जब हम 160 से 120 को डिवाइड कर देंगे, 0 0 कट गया। अब 16 को 12 से डिवाइड करने पर 1.33 आएगा, और ये तो आपका 1 है ही है। तो इस तरीके से 1.33:1, ये आपका करंट ईयर का जो है व्यापार की शर्तें हो गई, और ये बेस ईयर का व्यापार की शर्तें हो गई। तो अब अगर हम जो है इस तरीके से ये आपका नेट बार्टर सिस्टम निकाला जाता है। दूसरा आपका आता है ग्रॉस बार्टर सिस्टम। ये तो आपका हो गया सारा नेट बार्टर का। ग्रॉस बार्टर सिस्टम भी इसी तरीके से है, फॉर्मूला इसका अलग है। ग्रॉस बार्टर TOT, टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसको भी प्रोफेसर टॉजिंग ने भी, इस कॉन्सेप्ट को भी टॉजिंग ने ही दिया था। और इसमें क्या होता है कि जब कभी हमको ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड निकालना पड़ता है या जो है, तो यहाँ पर जो हम इंपोर्ट का टोटल फिजिकल वैल्यू या क्वांटिटी और इंपोर्ट की टोटल फिजिकल क्वांटिटी को शो करता है ग्रॉस बार्टर सिस्टम। यहाँ पर टोटल फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट रिलेटेड विद, ये कह सकते हैं GVTOT is related with total physical quantity of export and
फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट, यानी कि टोटल फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट और टोटल फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट, इन दोनों के रिलेशनशिप को जो है ग्रॉस बार्टर सिस्टम जो है एक्सप्रेस करता है कि क्या होता है। अब इसका जो फॉर्मूला है, जी इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन क्यू एक्स, क्योंकि सॉरी यहाँ पर एक्सपोर्ट लिखा जाएगा और यहाँ पर, क्योंकि इसमें जस्ट अपोजिट हो जाता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। हाँ, अब ये फॉर्मूला हमारा इस पे लगेगा। अब यहाँ पर जी क्या है, क्रॉस बार्टर टीओटी, क्वांटिटी ऑफ जो है इंपोर्ट और ये क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, ये फॉर्मूला हो गया। ये तो हो गया फॉर सिंगल गुड्स। अब अगर मोर देन वन गुड्स, फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, जी इज इक्वल टू क्यू एम वन अपॉन क्यू एक्स वन इज टू क्यू एम जीरो अपॉन क्यू एक्स जीरो। वहां पर पी था, यहाँ पर क्यू है, क्योंकि हम टोटल फिजिकल क्वांटिटी को ले रहे हैं। अब यहां पर M1 क्या है, M1 आपका है टोटल क्वांटिटी इंडेक्स इन करंट ईयर, टोटल क्वांटिटी इंडेक्स इन करंट ईयर, और ये आपका क्या है, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट इन करंट ईयर, और ये क्या है, टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट इन करंट ईयर। ठीक उसी तरीके से ये आपका क्या हो गया, टोटल क्वांटिटी इंडेक्स इन इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट इन बेस ईयर, यहां पर हम ये बेस ईयर करते हैं, और इसी तरीके से ये क्या हो गया, टोटल क्वांटिटी इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट इन बेस ईयर, ये आपका हो गया टोटल क्वांटिटी इंडेक्स, यहाँ पर होगा ये इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट इन करंट ईयर। इस तरीके से हम इन दोनों को करंट ईयर में डिफाइन करते हैं और इन दोनों को बेस ईयर में, ये चीज हमेशा याद रखना, ये करंट ईयर में लिया जाता है करंट ईयर की वैल्यू, और जो है ये वाली जो है ये बेस ईयर की वैल्यू ली जाती है, उसमें भी ऐसे ही था और ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक उसी तरीके से जैसे उसमें था आपका जब कभी हमें बेस ईयर निकालना है तो फिर मोर देन वर्ड्स, इसका इंडेक्स निकालना है तो जीरो यानी बेस ईयर के लिए हम इंडेक्स कितना मानेंगे, 100 लेंगे, जो इसका इंडेक्स सूचकांक लेंगे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, और जब करंट ईयर लेना होगा तो फिर यहाँ पर वैल्यू जो है वो 160 और 120 नहीं होगी, वो चेंज हो जाएगी। यानी कि
qm0 अपॉन qx0 का जो इंडेक्स है वो तो हमने 100 100 मान लिया है, तो ये आपका आ गया 1। जब हमको बेस ईयर पर इंडेक्स निकालना है सूचकांक, लेकिन जब हमें करंट ईयर पर इंडेक्स निकालना है तो यहाँ पर हम जो QM1 है ये हम लेंगे 180 और QX1 जो है हमारा होगा 150। तो अब हमारा जो रेशियो आएगा वो हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा है QM1 अपॉन QX1 टू, ये प्लस होता है XM0 अपॉन QX0, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है हम उसको रख देंगे 180 अपॉन 150 प्लस 100 अपॉन 100 और हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.2 जब हम इसको सिंपलीफाई कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा सूचकांक आ जाता है 1.2 के आसपास। तो ये तो हो गया आपका दो तरीके से जो है। अब तीसरा इसमें है आय व्यापार की शर्तें। आय व्यापार की शर्तें क्या होती हैं, यानी कि इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। थर्ड इनकम TOT, आय व्यापार की शर्तें, ये कॉन्सेप्ट जो है इसको दिया था GS Dorrance ने। नाम जरूर याद कर लीजिएगा, नाम बहुत पूछा जाता है। और उसके साथ साथ दूसरे इकोनॉमिस्ट थे H Stahel, ये दो इकोनॉमिस्ट थे जो दोनों ने मिल करके इस कॉन्सेप्ट को दिया था। इसमें क्या है कि आय व्यापार की शर्तों में हम कैपेसिटी टू इंपोर्ट के रूप में इसको डिफाइन किया जाता है, यानी कि हम इसमें मेजर क्या करते हैं, कैपेसिटी टू इंपोर्ट, हमारा इंपोर्ट की आयात करने की क्षमता जो होती है उस पे बेस्ड है, क्योंकि आयात हम तभी करेंगे जब हमारी इनकम क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर इनकम ज्यादा नहीं, हमारे पास इनकम ही नहीं है तो हम बाहर से गुड्स जो है वो परचेज कर ही नहीं सकते हैं। तो इस वजह से ये हमारे इनकम के बेसिस से मेजर किया जाता है कि हमारा जो इनकम है वो कितना है, और उसी से जो है इसको डिफाइन किया जाता है। जितना ज्यादा हम इम्पोर्ट करेंगे इट मीन हमारी जो इनकम है वो बढ़ रही है, और उसी से फिर जो है आय व्यापार की शर्तें निकाली जाती हैं। और किसी भी कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट वो इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब PX यानी कि प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट और क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट इज इक्वल टू प्राइस ऑफ इंपोर्ट इनटू क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तब हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इक्विलिब्रियम में होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इसके फॉर्मूले को सिंपलीफाई कर लें, अगर क्यू एम
इज इक्वल टू निकालने तो पी एक्स क्यू एक्स क्यू एक्स अपॉन पी एम, ये फॉर्मूला होगा। तो ये तो हो गया आपका आय व्यापार की शर्तों में। अब यहाँ पर क्या है कि कोई भी कंट्री अगर एक से ज्यादा गुड्स का इंपोर्ट कब कर सकेगा, उसके लिए कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं। इंपोर्ट ऑफ मोर देन वन गुड्स, जब उसको इंपोर्ट करना होगा तो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या लगेंगी, ये भी ध्यान रख लीजिए, ये पूछा जा सकता है। पहला, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, यानी कि सिटेरिस पैरिबस, आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप पूरा इसको डिफाइन करो, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, यानी कि अगर सब बातें सामान्य रहें, और प्राइस ऑफ एक्स गुड्स जो है वो बढ़ जाए, तब हम एक से ज्यादा गुड्स का आयात कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, सिटेरिस पैरिबस हो, यानी कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट हो, और जो पी एम है ये कम हो जाए। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जब हम एक से ज्यादा गुड्स का आयात कर सकते हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट यानी सिटेरिस पैरिबस हो, और उसके साथ साथ जो हमारी क्वांटिटी ऑफ गुड्स है उसके एक्सपोर्ट में वृद्धि हो जाए। ये तीन कंडीशंस अगर क्रिएट हो रही हैं, तो फिर हम एक से ज्यादा गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड में। तो ये तो हो गया आपका पहला क्लासिफिकेशन टर्म्स ऑफ ट्रेड का। अब कल के लेक्चर में हम लोग टर्म्स ऑफ ट्रेड रिलेटेड टू इंटरचेंज बिटवीन प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, यानी कि सेकंड क्लासिफिकेशन हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और थर्ड, और कोशिश करेंगे कि कल ही आपका चैप्टर जो है टर्म्स ऑफ ट्रेड खत्म हो जाए, क्योंकि परसों से फिर दूसरे बैच का होने लगेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, इसलिए कोशिश करेंगे कि कल ये चैप्टर खत्म हो जाए। अब मैं जरा तुम लोगों का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लूं, टाइम ओवर हो रहा है।